हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम एक्सटेंशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इफ एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट। जब हमारा फंक्शन क्लास ए है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन की थी क्लास ए की, देन एफ टी, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट। या आ सकता है इफ f of t is a piecewise continuous in every finite interval, ये किसकी definition है, piecewise continuous की। As n approaches to infinity, then Laplace transformation of f of t exist करता है। Now हम definition लगा देंगे, l of f of t is equal to integral 0 to infinity e की power minus st f t dt। यही हमारी definition होती है। ये देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एल ऑफ एफ ऑफ टी। नाउ इन्फिनिटी को हमने सेपरेट कर दिया, जीरो टू टी, टी टू इन्फिनिटी, इसे दे दी इक्वेशन वन। सिंस एफ टी इज ए कॉन्टिन्यूस इन एवरी फाइनाइट इंटरवल, देयरफॉर द फर्स्ट इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। जो हमारा फर्स्ट इंटेग्रल है वो क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। नाउ हम सेकंड इंटेग्रल को देखेंगे, एफ टी इज ए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, टी किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को, और टी किससे बड़ा होता है, जीरो से एंड कैपिटल टी से। मोड ऑफ टी लेस देन एम ई की पावर गामा टी, ये किसकी डेफिनेशन है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की, जो हमने पिछली वीडियोस में की थी। नाउ यहाँ पे क्या किया, इंटेग्रल टी टू इन्फिनिटी उसका मोड ले लिया। यहाँ पे हमारी लगी डेफिनेशन, इंटेग्रल टी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ इसको अंदर ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू टी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको क्या करेंगे, इसको फिर से अंदर ले जाएंगे, टी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, बिकॉज हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होता है और हमें फंक्शन के बारे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए हमने मोड लगाया। और ये किससे लेस है, एम ई की पावर गामा टी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ई की पावर क्या आ गई, माइनस एस माइनस गामा टी, और ये बन गया। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ई की पावर माइनस एस माइनस गामा टी, नीचे क्या जगह है, माइनस एस माइनस गामा टी टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टी ई की पावर माइनस एस गामा टी अपॉन माइनस एस गामा, यहाँ पे हमने पुट किया तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, एम ई की पावर माइनस एस गामा टी एस माइनस गामा इफ एस ग्रेटर देन गामा। Thus the second integral on the right hand side of 1 also exists. Hence L of f of t exists for all s greater than gamma. Now इसकी counter example क्या है, consider the function f of t is equal to 1 upon under root t. ये हमने learn करनी है। Here f of t approaches to infinity. जब हम t को 0 से जीरो से अप्रोच करेंगे तो वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो एफ ऑफ टी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी। फ्रॉम द राइट सो द फंक्शन एफ ऑफ टी इज नॉट पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, बिकॉज एफ टी किसको अप्रोच कर गया हमारा, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी को, ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। नाउ एल ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पे पुट कर दी। नाउ अनरूट एस टी को एक्स पुट कर दिया, अनरूट टी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन अनरूट एस, इसका डेरिवेटिव किया, वन अपॉन टू अनरूट टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डी एस, ये वाला टू ऊपर चले गए, यहां पे हम पुट कर देंगे, टू अपॉन अनरूट एस जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स अनरूट एस, डी टी अपॉन अनरूट टी की जगह टू हमने आगे निकाल दिया, डी एस अनरूट एस एज इट इज। नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है, अनरूट पाई बाय टू, यहां पे पुट कर दी, टू से टू कैंसल, अनरूट पाई अपॉन एस, वेयर एस ग्रेटर देन जीरो। ये हमने क्यों लिखा, अगर हमारा जीरो होता तो वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, फिर से एग्जिस्ट नहीं करना था,
इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एस ग्रेटर देन जीरो। दस एल ऑफ वन अपॉन अंडरूट टी एग्जिस्ट फॉर सम एस ग्रेटर देन जीरो इवन इफ वन अपॉन अंडरूट टी इज नॉट ए पीस वाइज कंटिन्यूस फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।